करनाल के मेरठ रोड स्थित एक ढाबे पर देर रात ढाबा मालिक और तरनदीप नाम के व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ढाबा मालिक ने तरनदीप पर एकाएक दो गोलियां चला दी, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में तरनदीप को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। डीसी कॉलोनी राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो हम जैसे अभी घर पे पहुंचे तो इनका हमारे पास कॉल आया कि मेरे जल्दी आओ कि मेरे को गोली लगी है। तो हम एकदम से उन्होंने खुद कॉल किया, तो हम एकदम से भागे भागे आए और इनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में अमृतसर। इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जैसे इन्फॉर्मेशन होगी तो आप। पुलिस आई थी मौके पे? नहीं, मौके के ऊपर कोई पुलिस नहीं आई और अराउंड आधा घंटा हो गया हमारे को यहाँ आए हुए, तो आई थिंक डॉक्टरों ने इन्फॉर्म किया थे होगा पुलिस को, बट अब तक कोई भी स्टाफ का कोई बंदा नहीं आया। कोई बंदा नहीं ना, कोई गोली मारी उसमें से पकड़ा भी गया बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है, कन्फर्म नहीं है। तो बताया गया कि सेक्टर 4 चौकी में किसी बंदे को पकड़े गए हैं, बट काम क्या करते हैं ये? इनका कार सेल परचेज का काम है। कार सेल परचेज का काम पे इनका, ये अपना मेरा घाटी साइड पे। मेरा घाटी में तो परिवार के लोग आ गए? हाँ, परिवार में उनकी मिसेज आ रखी है, तो वो अंदर। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो गोली लगी है, सीटी स्कैन में शो हो गया कि गोली लगी हुई है, और बाकी डॉक्टर साहब ने अभी देखा है तो वो कह रहे हैं कि सीटी स्कैन देख के। अराउंड 45 मिनट्स पहले, 45 मिनट्स, एक घंटा पहले। हाँ, हम भी लेके आए। खुद चल के आए गाड़ी? हाँ, खुद हम ड्राइव करके लेके आए उनको साथ में। गोली गोली इनके एक साइड में लगी जी, इस एरिया में लगी हुई दो गोलियां लगी। एक साइड बाहर थे या घर के बाहर? इनका हमारे पास कॉल आया तो इन्होंने कोई गोली मार गया, तो हम इमरजेंसी में। लूटपाट की घटना हुई है, झगड़ा हुआ क्या? नहीं, लूटपाट की तो कोई नहीं है, आई थिंक कोई झगड़े का आई थिंक इशू हो सकता है, तभी किसी ने फायर किया। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने बताया है कि देर रात को उन्हें सूचना मिली थी कि मेरठ रोड पर स्थित ढाबे पर झगड़ा हो गया, और मौके पर जाकर पूछताछ में पाया गया तरनदीप नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टेलीफोन आया था कि वहाँ ढाबे के पास झगड़ा हो गया, जिस सूचना पर हम मौके पर गए थे, मौके पर हमने एक बलदीप नाम का लड़का मिला, जिसको हमने बातचीत करी, वो पता करा, उसने बताया वो एक तरनदीप के नाम के लड़के का गोली लगी है, उसके बारे में बता गया, वो रेफर किया गया है, और जिस जो ये झगड़ा है, ये झगड़ा एक बिरयानी ढाबा है, बिरयानी ढाबा, उस पर तरनदीप और बलदीप दोनों उससे पूछने के लिए गए थे, उससे कोई सामान लिया नहीं, उससे भाई कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तुम क्या करते हो, इस बात पर उनकी बहस होगी। बहस होने के बाद उसने अपने मालिक को बुला लिया, मालिक के आने के बाद, मालिक है कृष्ण को बुला लिया, कृष्ण के आने के बाद इनके आपस में झगड़ा हो गया, झगड़े में तरनदीप ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया और उसने गोली चला। तो लाइसेंसी हथियार था कुछ पता चला? पता चला लाइसेंसी हथियार, तो बताया जा रहा है हिरासत में ले लिया कोई, अभी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल। तरनदीप की हालत कैसी है? तरनदीप की हालत हॉस्पिटल में बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि गोली लगने की घटना से पूरा परिवार सहमा हुआ है। परिवार के सभी लोग अस्पताल में घायल के साथ मौजूद हैं, क्योंकि अभी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।